उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद जिले की घटिया तहसील में गंभीर महामारी कोरोना वायरस से लोगों को बचाने और उन्हें सही समय पर टीकाकरण के माध्यम से लाभ मिल सके, उसी को लेकर घटिया तहसील में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ मौजूद है और टीकाकरण केंद्र पर आने वाले स्थानीय लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। यहाँ इन टीकाकरण केंद्रों पर स्थानीय महिला और गंभीर महामारी कोरोना वायरस के बचने के लिए टीका लगवाते हुए देखा जा सकता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। निर्देश है कि कोविड को लेकर सावधानियाँ बरती जाएं, उसको लेकर किस प्रकार से शहरवासियों के लिए, आपके क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वह एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखें और किस प्रकार से वह सुरक्षित रहें और दूसरों को भी किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी पीक चालू हो चुकी है, पहले से ज़्यादा गंभीरता से ये शुरू हुई है और पहले से ज़्यादा केस हमें मिल रहे हैं। आम लोगों से मेरी यही अपील है, हमेशा मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं और आपस में कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें और कभी भी अभी किसी शादी समारोह में जाने से बचें, अपने घर पर भी करें जो करना है, घर से बाहर कम से कम रखना है जब आवश्यकता हो। सर, किस प्रकार से कोविड को लेकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कितने कोविड सेंटर बनाए गए हैं और किस प्रकार से क्या है? हमारे घटिया ब्लॉक में अभी तक 8 सेंटर बनाए गए हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए। इसमें घटिया, पांड्या, आलीखेड़ी, सोरंग, अम्बोदिया, आलियादेव और कालूरा 8 सेंटर बनाए गए हैं। 8 सेंटरों पर कल दिनांक 1 अप्रैल से 45 ईयर्स से ऊपर के सभी व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए अलग अलग लोगों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी टीम अपना कार्य पूरी क्षमता और अगन के साथ कर रही है। कोविड वैक्सीनेशन का लोग अभी जागरूक नहीं है इतना लगवाने के लिए, इसलिए अभी अच्छी की पूर्ति पूरी तरह नहीं हो पा रही है, लेकिन हम पूरी तरह अपना प्रयास कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन हम करा सकें। इसमें हमारा सहयोग महिला बाल विकास CO जनपद पंचायत भिटिया और SDM सर के निर्देशन और आदेशन का ये सारे कार्य किए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।